हे एवरीवन, वेलकम टू आरजे पायल्स किचन। दिवाली के शुभ अवसर पर हम आपके लिए लेकर आए हैं पांच अलग अलग तरीके की मिठाइयाँ, जो आप खुद के लिए भी बना सकते हैं, गेस्ट के लिए भी बना सकते हैं और उन्हें एकदम बढ़िया तरीके से इम्प्रेस कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम सबके फेवरेट गर्मा गर्म गुलाब जामुन के साथ में। इसके लिए सबसे पहले हम लोग चाशनी तैयार करेंगे। चाशनी के लिए मैंने लिया है 2 कप शक्कर और साथ ही मैंने लिया है उसी कप के नाप के साथ 2 कप पानी। गैस को ऑन करेंगे, शक्कर को अच्छे से पानी में घोलेंगे, उसके बाद 2-3 मिनट के लिए इसे और पकाएंगे। हमें कोई तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ इसे शहद की तरह चिपचिपा करना है। जैसे ही हो जाए गैस को बंद कर दें और इसमें डालें इलायची का पाउडर, साथ ही 2 चम्मच नींबू का रस, ताकि चाशनी जमे ना। अब इसे हम साइड में रख देते हैं। अब एक प्लेट में हम लेंगे 50 ग्राम पनीर और पनीर को इस तरीके से हाथों की मदद से अच्छे से मसल मसल के चिकना हम लोग कर देंगे। करीब 3-4 मिनट के लिए हमें इसे अच्छे से मसलना है, ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। अब इसे हम साइड में रख देंगे और अब हम ले लेंगे मावा यानी कि खोया। ये करीब 200 ग्राम खोया है, इसे भी हम 5 मिनट के लिए अच्छे से मसल कर सॉफ्ट कर देंगे। लगभग 5 मिनट के बाद जब मावा भी अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, तब हम जो पनीर जिसे हमने अच्छे से सॉफ्ट किया था उसे इसमें मिक्स कर देंगे। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच सूजी, इससे टेक्सचर काफ़ी अच्छा आता है। 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा डालेंगे, साथ ही 3 चम्मच हम मैदा डालेंगे। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स करके इसका एक सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। जितना सॉफ्ट डो होगा उतने ही सॉफ्ट गुलाब जामुन बनेंगे। अब इस डो में से थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन आप अपने हाथों में लेकर इसकी बिना क्रैक की बॉल बनाइए। बॉल में क्रैक नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से बॉल्स तैयार कीजिए और उसके बाद उन्हें घी में फ्राई कर दीजिए। घी जो है वो हल्का गर्म होना चाहिए, बहुत गर्म नहीं होना चाहिए। फ्लेम एकदम लो पर होनी चाहिए। शुरुआत में आप गुलाब जामुन को टच नहीं करेंगे। 2 मिनट तक हमें सिर्फ घी को ही चलाते रहना है। 2 मिनट के बाद जैसे ही गुलाब जामुन का हल्का हल्का कलर चेंज होने लग जाएगा, हम उन्हें पलटते रहेंगे, ताकि हमें ये वाला गोल्डन कलर मिल जाए। जैसे ही ऐसा कलर मिल जाएगा, हम गुलाब जामुन को घी में से बाहर निकालेंगे और चाशनी में डायरेक्टली डाल देंगे। अब याद रखिएगा, ये जो चाशनी है ये हल्की गर्म यानी गुनगुनी होनी चाहिए, एकदम बहुत गर्म नहीं होनी चाहिए। अब इन्हें ढककर 4 घंटे के लिए चाशनी में ही छोड़ देंगे और 4 घंटे के बाद लीजिए जी, सब्र का फल एकदम मीठा मीठा हाजिर है। गर्मा गर्म गुलाब जामुन इस दिवाली जरूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए, मैं आपको एक तोड़कर भी बता देती हूँ कि ये कितने सॉफ्ट बने हैं। आहा, देख के ही मुंह में पानी आ रहा है। गुलाब जामुन तैयार है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बिना दाल को भिगोए मूंग दाल का हलवा बनाते हैं। इसके लिए 1 कप मैंने लिया है मूंग की दाल, जिसे मैंने धो दिया है, छलनी से छान लिया है और थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दिया, ताकि पानी एक्स्ट्रा निकल जाए। साथ ही 1 कप दूध लिया है, जितना दूध है उसी कप के नाप के साथ दाल लिया है और उसी कप के नाप के साथ पानी लिया है, सेम क्वांटिटी है। 1 कप चीनी ली है, 7-8 चम्मच घी लिया है, 10-12 बादाम पीस लिए हैं मिक्सी में, साथ ही कुछ हमने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं गार्निशिंग के लिए। चलिए बनाते हैं। एक पैन में 2-3 चम्मच हम लोग घी डालेंगे, फ्लेम को मीडियम पर रखेंगे और साथ ही दाल को हम लोग डाल देंगे। मीडियम फ्लेम पर ही लगातार दाल को चलाते रहेंगे, तब तक जब तक इसका जो कलर है वो गोल्डन ब्राउन कलर का ना हो जाए। जैसे ही आपको ये कलर मिल जाएगा, आप 1 चम्मच ले लीजिए या फिर छलनी का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं और इस तरीके से दाल को लेके हम लोग अलग से प्लेट में निकाल लेंगे, ताकि जो एक्स्ट्रा घी है वो पैन में ही रह जाए। अब जैसे ही ये दाल ठंडी हो जाएगी, हम इसे मिक्सी में पीस के इसका पाउडर तैयार करेंगे। अब सेम पैन में हम थोड़ा सा घी और डालेंगे, लगभग 2-3 चम्मच, और फिर जो पिसी हुई दाल है उसे भी हम इसमें डालकर मिक्स कर देंगे। फ्लेम जो है वो मीडियम पर ही रहेगा, हमें इसे पकाना नहीं है, सिर्फ मिक्स करना है, क्योंकि दाल जो है वो ऑलरेडी पक चुकी है। मिक्स करने के बाद ही हम इसमें डाल देंगे दूध और साथ ही हम इसमें डाल देंगे पानी। अब मीडियम फ्लेम पर हम इसे लगातार चलाते हुए पकाएंगे।
ध्यान रखिएगा, इसमें कोई लम्प्स नहीं होना चाहिए, इसलिए इसे लगातार चलाते रहें। जैसे ही मिक्सचर थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा, हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच घी और दोबारा हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम डाल देंगे शक्कर, दोबारा हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद लास्ट में हम इसमें डालेंगे इलायची का पाउडर, साथ ही हम डालेंगे बादाम जिन्हें हमने पीस के रखा हुआ था। दोबारा हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे तब तक जब तक कि मिक्सचर पैन को ना छोड़ने लग जाए। आप देख सकते हैं मिक्सचर पैन को छोड़ने लग गया है और हमारा मूंग दाल का हलवा बनकर एकदम तैयार है। हमारी अगली रेसिपी है मिश्री मावा। इसके लिए 1 लीटर फुल क्रीम दूध को हमने ले लिया है पैन में, जिसे हम लोग बॉईल करेंगे। दूध जैसे ही बॉईल होगा, फ्लेम को हम लोग मीडियम पर कर देंगे और एक बार हम इसे चला लेंगे। ध्यान रखिएगा दूध जो है वो तले में चिपकना नहीं चाहिए। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच दही का पानी। ये दही का पानी हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि जो मिश्री मावा है वो दानेदार बनना चाहिए, और इससे ज्यादा मत डालिएगा दही का पानी, वरना जो ये दूध है वो फट जाएगा। अब दूध को हम हर थोड़ी थोड़ी देर में मीडियम फ्लेम पर ही चलाते रहेंगे और इसकी जो क्वांटिटी है वो हम 1/4 यानी 1/4 कर देंगे। आप देख सकते हैं दूध काफी हद तक रिड्यूस हो गया है, कम हो गया है। अब मीडियम फ्लेम पर ही हम इसे लगातार और चलाते रहेंगे। ये देखिए, ये है इसकी कंसिस्टेंसी, एकदम बहती हुई जो हमें चाहिए। इस मोमेंट पर हम फ्लेम को एकदम लो पर कर देंगे। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच इलायची का पाउडर, साथ ही डालेंगे 4 चम्मच शक्कर। शक्कर आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। अब लगातार इसे 1-2 मिनट के लिए और चलाएंगे और ये देखिए, ये है इसकी कंसिस्टेंसी। जो मिश्री मावा होता है वो बहता हुआ होता है, टाइट नहीं होता है। तो लीजिए, हमारा मिश्री मावा भी बनकर तैयार है। गैस को बंद कर देंगे, गार्निश करेंगे अपने पसंद के ड्राई फ्रूट्स के साथ में, खुद भी खाएंगे, मेहमानों को भी खिलाएंगे। हल्का गर्म खिला सकते हैं, ठंडा भी खिला सकते हैं, दोनों तरह से अच्छा लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारी अगली रेसिपी है बेसन के लड्डू। इसके लिए पैन में हम लेंगे 50 ग्राम घी, डालेंगे थोड़े से इलायची के दाने और साथ ही लेंगे 200 ग्राम बेसन, लगभग 2 कप बेसन है ये। लो फ्लेम पर लगातार हमें बेसन को चलाते हुए भूनते रहना है, हाथों को रोकना नहीं है, लगातार चलाते रहना है ताकि बेसन में से अच्छी सी खुशबू आ जाए और इसको एक बढ़िया सा गोल्डन सा कलर मिल जाए, ब्राउन कलर, डार्क ब्राउन कलर तक हमें इसे भूनते रहना है। लगभग इसमें 15-20 मिनट का टाइम लगता है। जैसे ही आपको ऐसा गोल्डन कलर मिले, गैस को बंद कर दें और इसे थोड़ा सा ठंडा होने दें। थोड़ा ठंडा होने के बाद इसमें डालें इलायची का पाउडर, पिसे हुए बादाम लगभग 1/4 कप, 1 कप पिसी हुई शक्कर और इन सबको अच्छे से मिक्स कर दें। जैसे ही सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाएगा, मिक्सचर का थोड़ा सा पोर्शन लें और इसकी बॉल्स बनाना यानी लड्डू बनाना शुरू कर दें। लड्डू आप अपने हिसाब से छोटे या बड़े, जैसे आप चाहें वैसे बनाइए। उसके बाद इसे गार्निश कीजिए किशमिश के साथ में, आप चाहें तो काजू के साथ भी गार्निश कर सकते हैं। और लीजिए, बेसन के लड्डू बनकर एकदम तैयार है। हमारी अगली रेसिपी है एप्पल की रबड़ी। इसके लिए हमने फुल क्रीम दूध लिया है करीब 1/2 लीटर, उसे हमें बॉईल करना है। दूध जैसे ही बॉईल हो जाएगा, फ्लेम को हम मीडियम पर कर देंगे और 1-2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। 1-2 मिनट बाद आप चेक करेंगे कि दूध के ऊपर जो मलाई जम रही है, बड़ी बढ़िया दिख रही है। इसे आप चम्मच की मदद से इस तरीके से साइड में चिपकाते जाएंगे। यही प्रोसेस हमें लगातार दोहराते रहना है। फ्लेम को मीडियम पर रखना है, 1-2 मिनट के लिए दूध को ऐसे ही छोड़ देना है। ऊपर जो मलाई जमती जा रही है उसे साइड में इस तरीके से चिपकाते रहना है। और हाँ, दूध की जो क्वांटिटी है वो हमें 1/4 करनी है, इसका आप ध्यान रखिएगा। आप देख सकते हैं दूध जो है वो ऑलमोस्ट 1/4 हो चुका है। इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे इलायची का पाउडर,
साथ ही हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच शक्कर, मैंने ब्राउन शुगर लिया है, आप अपने हिसाब से व्हाइट शुगर भी ले सकते हैं। इसे हम अच्छे से एक बार मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे एप्पल। एप्पल को हमने कद्दूकस कर दिया था बिना छीले, यानी छिलके के साथ में ही हमने एप्पल को कद्दूकस कर दिया था। इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब ये जो मलाई हम साइड में चिपकाते जा रहे थे, इस मलाई को हम निकाल कर इस दूध के साथ ही अच्छे से मिक्स कर देंगे। याद रखिएगा, ये जो मलाई है ये पूरी निकलनी चाहिए, तभी तो अच्छा स्वाद आएगा। मलाई निकालने के बाद एक बार और हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। गार्निश करेंगे अपने पसंद के ड्राई फ्रूट्स के साथ में, पिस्ता, काजू, बादाम, किशमिश, जो भी आपको पसंद हो। अच्छे से मिक्स कीजिए, गैस को बंद कर दीजिए, थोड़ा रूम टेम्परेचर पर इसे आने दीजिए, फ्रिज में उसके बाद इसे रखिए 1-2 घंटे, बढ़िया ठंडा होने दीजिए और उसके बाद ठंडा ठंडा इसे सर्व कीजिए। तो ये थी दिवाली स्पेशल रेसिपीज। आई होप ये सारी की सारी रेसिपीज आपको पसंद आई हो। जरूर से इन्हें ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और उसके बाद जो बेल आइकन आएगा उसे भी जरूर से प्रेस कीजिएगा। जल्दी मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।